हे गाइस नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो सुबह का टाइम है, सुबह के भी बज रही है 5:30 और बाहर आपको दिख ही रहा होगा कि अंधेरा हो रहा है क्योंकि पूरी रात से ना बारिश हो रही है। और जब इतने दिन है ना, जब गर्मी का मौसम था ना, तो 5:30 बजे के करीब ही अच्छा खासा उजाला बाहर दिखता था, लेकिन अभी जैसे ना बादल लगे रहते, पूरी रात ही बादल ही हो रहे होते और बारिश हो रही होती है, तो सुबह 5:30 बजे के करीब भी अच्छा खासा अंधेरा होता है। लेकिन यही है कि खिड़की तो उठते में ही खोलती हूँ क्योंकि पूरी रात बंद रहती है ना खिड़की, तो वो किचन में सफोकेशन सा होता है। तो खिड़की मैंने खोल दी है और अब मैं लगूंगी अपने काम पर। दोनों बच्चों को मैंने आवाज़ दे दी है, दोनों आज उड़ गए हैं, थोड़ा सा जल्दी मैंने उनको उठाया है क्योंकि बच्चों के ना भी एग्जाम चल रहे हैं और आज बच्चों का साइंस का पेपर है। तो वैसे तो उनकी पढ़ाई जो थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो थे वो उनको ना रात को लर्न नहीं हो रहे थे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब कोई चीज़ उनको याद नहीं होती ना, तो बच्चे आके बोलते हैं कि मम्मा ये कब से हम लोग लर्न कर रहे हैं, ये याद नहीं हो रहा है हमको। तो मैं कहती हूँ बेटा उस चीज़ को उस समय के लिए छोड़ दो, क्योंकि हर टाइम ऐसा होता है ना कि माइंड इतना एक्टिव नहीं होता है, तो कुछ देर के लिए छोड़ के और उसके बाद में जब आप फिर से पढ़ोगे ना, तब आपको याद हो जाएगा। और जो कुछ चीज़ें याद नहीं होती ना, तो वो सुबह जल्दी उठ के लर्न कर लो। तो बच्चों को भी बस मैंने अपने साथ में उठाया है, दोनों अभी बस ब्रश कर रहे हैं, फिर नहाने जाएंगे। और 15-20 मिनट भी अगर बच्चों को मॉर्निंग में मिल जाता है ना, तो जो चीज़ें रात को उनको घंटों तक याद नहीं होती ना, वो सुबह उनको 5-10-15 मिनट में याद हो जाती है। तो चलिए, और अभी मैं क्या कर रही हूँ, हाँ बच्चों के लिए दूध जो है वो मैंने बना के और रख दिया है, और वो दूध मैंने बाहर रखा है, पंखा ऑन किया है ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। बच्चे नहा के जैसे ही निकलेंगे ना, तो निकलते में ही सबसे पहले वो दूध ही पियेंगे। और अभी बच्चों के ना एग्जाम चल रहे हैं, तो बच्चे मतलब मॉर्निंग में ना 10 बजे तक आ जाते हैं, मतलब उनका जो रूटीन का जो स्कूल है ना, वैसे वो टाइमिंग नहीं है क्योंकि इस बार जो एग्जाम बच्चों के चल रहे हैं ना, वो उसके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं, मतलब कंटिन्यूस एग्जाम है मंडे टू सैटरडे। तो इस वजह से ना बच्चों को पढ़ने का टाइम जो है वो इतना नहीं मिल पाता है, तो इसलिए स्कूल वाले ना 10 बजे ही बच्चों को छोड़ देते हैं, सिर्फ एक एग्जाम होता है और एग्जाम के बाद में छोड़ देते हैं। तो इस वजह से बच्चों को टिफिन वगैरह कुछ भी लेके नहीं जाना है। और खैर बच्चे ना खाना का अभी मॉर्निंग में कुछ खाने के लिए भी मना बोल रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा बहुत कुछ खा लोगे ना, क्योंकि खाली पेट है ना बच्चों को दूध नहीं पीने को होता है और देना भी नहीं चाहिए। खाली पेट अगर बच्चों को हम दूध देते हैं ना, तो उनके फिर है ना पेट में दर्द और इनडाइजेशन ये सब चीज़ें होती है, तो दूध के साथ में कुछ ना कुछ खाने का है ना बच्चों को जरूर देना चाहिए। तो वही बस चीज़ बनानी है मुझे, तो ज़्यादा खैर बनाना कुछ है नहीं, फटाफट बन जाएगा। और ये कुछ सब्जियां थी रात को मैं लेकर आई थी, तो यहाँ पर ये ओवरनाइट पड़ी है लेकिन फिर भी ना सूखी नहीं है। तो जो सब्जी सूख गई थी, बड़ी बड़ी सब्जियाँ सूख गई थी, जैसे कि टमाटर थी और मिर्ची में भी जो बड़ी वाली मिर्ची थी वो तो सूख गई थी, लेकिन जो छोटी वाली मिर्ची थी ना वो गीली थी, तो वो मैंने बास्केट में रख दी है। और तोरी जो है उसकी सब्जी आज लंच में बनेगी, तो वो भी मैंने अलग से रख दी है, और बाकी चीज़ों को मैंने भर कर और फ्रीज के अंदर रख दिया है। अब यहाँ पर बच्चों के नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ एकदम क्विक सा बनने वाला ब्रेकफास्ट। तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने मसाला जो है तैयार कर दिया, जिसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला और नमक, ये दो तीन चीज़ें मैंने मिला के एक मसाला जो है वो रेडी कर दिया है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर मसाला ब्रेड, जो कि मतलब इस बार है ना काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। पहले तो शायद मैं बच्चों के टिफिन में भरती थी, लेकिन आजकल है ना मैं सही कहूँ तो ब्रेड का यूज़ जो है वो बहुत कम करती हूँ। पहले भी खैर मेरे घर में बहुत ज़्यादा ब्रेड जो है वो नहीं आती थी, अगर आप मेरे वीडियोस काफ़ी सालों से देख रहे होंगे ना, तो मेरे घर के अंदर ब्रेड और इस तरह की चीज़ें कम ही आती है। लेकिन अब ये कि पहले बच्चे छोटे थे वो डिमांड नहीं करते थे, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो कभी कभी जब वो बोलते हैं ना, तो फिर मैं उनको कुछ ना कुछ बना के दे देती हूँ, लेकिन फिर भी यूज़ जो है वो कम करती हूँ। क्योंकि देखो ये व्हाइट ब्रेड जो आती है ना, ये तो मैदे की बनी होती है, सबको पता होता है, लेकिन फिर हम पता ये सोचते थे कि चलो हम व्हाइट ब्रेड ना खाएं और हम लोग जो ये ब्राउन ब्रेड आती है या फिर जो व्हीट ब्रेड आती है ना वो खा लें। लेकिन आजकल हर चीज़ में कुछ चीज़ें ना छुपी हुई नहीं है, हर चीज़ें आजकल है ना वीडियोस के थ्रू पता चल जाती है, चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू पता चले या फेसबुक के थ्रू या जो भी, मतलब तो कई कई ऐसे वीडियोस जो थे वो मैंने देखे थे कि जो व्हीट वाली ब्रेड होती है ना वो भी मतलब गेहूं की नहीं होती है, वो भी होती तो मैदे की है, और उसके अंदर है ना वो सब कलर देने के लिए ना केमिकल मिलाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ब्रेड में बहुत ज़्यादा सैक्रीन शुगर वगैरह मिला के रखी होती है, और पाम ऑयल बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है पाम ऑयल। तो इसीलिए ना मतलब मैं बहुत कम इसका यूज़ है वो करती हूँ, ना के बराबर।
लेकिन बस कल बच्चों को खाने का मन था तो फिर ये ब्रेड जो है मैंने मंगाई थी, तो यहाँ पर मैंने मसाला ब्रेड जो है वो बना बना मतलब तवे पे रख दी है। और अगर इस तरीके से पैकेट जब बच जाता है ना, तो इस तरीके से आप कवर करके रख सकते हो ब्रेड का, ताकि वो ना खराब नहीं होती है, सूख सूख जाती है ना हवा से, तो वो सूखेगी भी नहीं। अब ये वाला जो नाश्ता है ये मतलब एकदम बहुत जल्दी बन जाता है, मतलब 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल डाल के गरम कर दिया था, और ब्रेड को पहले अच्छे से टोस्ट कर देना है, और फिर उसके बाद में जो हमने मसाला रेडी किया था वो मसाला जो था वो स्प्रिंकल कर देते हैं। बस मसाला जो है वो जलना नहीं चाहिए, तो और क्योंकि अगर हल्का भी जल जाएगा ना तो वो टेस्ट ब्रेड का एकदम कड़वा कड़वा सा आता है, और फिर बच्चे जो है ये सॉस के साथ में खाएंगे। और बस अभी यहाँ पर परी के मुझे पौनी वगैरह बनानी है, और बस यहाँ पर बच्चे जो थे वो चले ही गए थे। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, मैं आपसे बात कर रही होती हूँ और वीडियो काफी आगे आगे निकल जाता है, और कुछ चीजें जो थी होती है ना वो छूट भी जाती है रिकॉर्डिंग में। तो दोनों बच्चे जो थे वो स्कूल चले गए थे, और आजकल मैं बच्चों को छोड़ने नीचे नहीं जाती हूँ, क्योंकि एक तो बारिश हो रही है, और बारिश में फिर है ना सब जने छाता ले लेके नीचे जाए तो ठीक है, नीचे बस आती है और भी बच्चे होते हैं, तो ये लोग सब साथ में ही बस के अंदर बैठ जाते हैं। उनके जाने के बाद में सबसे पहले तो मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, और आजकल मेरे व्लॉग जो है वो रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, मेरे पास में कमेंट आते हैं, मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि यार आप लोग वेट करते हो इतना और मैं ना आपके लिए एक वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। लेकिन पता है मैं जब वीडियो नहीं डालती हूँ तो उस टाइम पे मेरी बहुत मजबूरी होती है ना, तभी नहीं डालती हूँ। अगर मेरा थोड़ा बहुत भी मुझे ठीक लगता है ना तो मैं एडजस्ट करके जैसे तैसे मतलब वीडियो जो है वो डालने की कोशिश करती ही करती हूँ। अभी कैसा है कि 10-12 दिन पहले ही मुझे खांसी जुकाम बुखार ये सब हुआ था, तो बुखार और जुकाम तो ठीक हो गया, लेकिन ये खांसी जो है ना वो मतलब अच्छे से ठीक नहीं हो रही है। फिर कल मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा भी था कि यार किसी भी चीज को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, डॉक्टर को बता दे। और मुझे ऐसा है कि यार खांसी ऐसी चीज है ना कि जिसके लिए कोई स्पेशल दवाई कुछ नहीं होती, खाली सिरप देते, और सिरप है ना मैं पी नहीं पाती हूँ, तो मैं घर की ही होम रेमेडी वगैरह कर रही थी, तो कुछ हद तक कम हुई भी है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन ये कि इंस्टेंट अगर आराम चाहिए तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो इसलिए फिर मैं कल डॉक्टर के पास जाके भी आई, दवाई लेकर भी आई हूँ। लेकिन ये है कि आराम जो है वो होता ही होएगा, और खांसी मतलब ऐसी चीज है ना यहाँ कि उसकी वजह से ना पूरी बॉडी में दर्द होने लग जाता है। मतलब जब खांसी आती है ना तो चेस्ट पेन होता है, हेडेक होता है, और ऐसा जब होता है ना तो कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। ये मतलब ये है कि मजबूरी है कि घर के काम तो आपको करने ही करने, लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो नहीं हो पाते, वीडियोज बनाना है, उनकी एडिटिंग करना है, और फिर उसके लिए कंटिन्यूस मोबाइल में देखना होता है, तो वो नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मेरे व्लॉग जो है वो रेगुलर नहीं आ रहे। लेकिन बस अब आज से मेरी कोशिश रहेगी कि अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो अब आज से वीडियोस जो है वो फिर से मैं रेगुलर अपलोड करूंगी आप सभी के लिए। तो यहाँ पर सब्जी जो थी वो मैंने चॉप कर ली थी, और फिर मुझे याद आया कि आज मुझे ना ये तो सोफे के कवर और दोनों रूम की जो बेडशीट से उनको चेंज करना है, गंदे भी हो गए, और प्लस ये बारिश का जो मौसम ऐसा होता है ना कि मतलब 3 या 4 दिन बाद में ये ना बेड मतलब बिस्तर के ऊपर या फिर जो सोफा होता है ना उनके ऊपर मक्खी बैठने लग जाती है, तो उसके लिए ये कि आप उसको ना मतलब कोशिश कीजिए कि 4 या 5 दिन, अगर छोटे बच्चे आपके घर के अंदर है ना तो 3-4 दिन में वॉश कर लो, नहीं तो वीक में एक बार तो उनको वॉश कर ही लेना चाहिए। तो इसीलिए आज एक तो सबसे पहले तो मैं सोफे के कवर जो है वो ही डाल रही हूँ, और जब ये धुल जाएंगे तो उसके बाद में फिर मैं दोनों रूम की जो बेडशीट है ना वो डालूंगी, और उसके बाद में रूटीन के कपड़े भी काफी ज्यादा इकट्ठे हो गए, तो आज मशीन जो है वो मुझे 3 बार की चलानी पड़ेगी। तो कवर्स मशीन में डाल के और अब आ गई हूँ किचन के अंदर, और तोरी की सब्जी जो है वो मैंने साफ कर दी थी, और साथ में जो उसके छिलके थे ना, मतलब अभी पता नहीं तोरी का सीजन है या नहीं है, लेकिन कल जब मैं सब्जी लेने गई थी ना तो इतनी फ्रेश सी मुझे ये तोरी मिली थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसके छिलके की सब्जी भी बनाई देती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे दोनों ही सब्जी का तड़का जो है वो मैंने एक साथ में ही लगाया, मतलब एक साथ में ही गैस पे रख दिया है, ताकि फटाफट काम जो है ना वो हो जाए। तो तरोई की जो सब्जी है वो तो खैर बहुत ही जल्दी बन जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और मसाले भी इसके अंदर बहुत कम पड़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में तो मैंने खाली राई, जीरा, हींग और हरी मिर्ची का तड़का लगाया है, और थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर और उसको लो फ्लेम पर पकने दूंगी। और इधर ये तोरी की जो छिलके की जो सब्जी है ना वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है,
और इसके अंदर भी वही है कि तेल के अंदर थोड़ा सा राई, जीरा, हींग और हरी मिर्ची का तड़का लगाया है, और बस अभी नमक और हल्दी डाल के उसको भी ना पकने देंगे ढककर। अब जो तोरी है वो तो खैर पानी रिलीज करती है तो वो तो खैर चिपकेगी नहीं, लेकिन ये जो छिलके वाली सब्जी होती है ना इसमें से इतना ज्यादा पानी रिलीज नहीं होता है, तो उसको बीच बीच में एक आध बार जो है वो चेक करना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने सुबह से बर्तन जो थे वो अभी तक साफ किए नहीं है, तो अभी सब तरफ बर्तन जो है ना वो इधर उधर बिखरे ही पड़े थे, क्योंकि पानी वगैरह जो भरने का काम होता है ना मटके में, तो वो यार सिंक के थ्रू ही होता है, तो इसलिए सिंक को मैं ना गंदा नहीं करती हूँ। रात को ही पूरी सिंक को अच्छे से धो के मतलब एकदम साफ करके फिर सोती हूँ, और सुबह जब वो सिंक अच्छे से सूख जाती है तो फिर पानी वानी छानने का काम जो है वो करने के बाद में फिर मैं जूठे बर्तन जो होते हैं ना वो इस सिंक के अंदर रखती हूँ। तो अभी मैंने खैर सारे ही बर्तन जो है वो रख दिए हैं, लेकिन ये कप जो होते हैं ना, चाय के कप हो गए या चाकू हो गए, तो ये चीजें मैं सिंक में नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक तो ये कप जो होते हैं ना वो मतलब जो क्रॉकरी आइटम ऐसे है ना कि अगर बर्तनों के बीच में रख दोगे ना तो आप बहुत जल्दी वो टूट जाते हैं, उसके ऊपर है ना छोटे छोटे से क्रैक्स आ जाते हैं, और फिर अगर पूरा सेट होता है 6 कप का, एक आध कभी खराब हो जाता है ना तो पूरी पूरा ही सेट जो होता है ना वो खराब हो जाता है। और दूसरी चीज ये कि अगर चाय या दूध अंदर जम जाता है ना तो कई बार उनके दाग धब्बे जो है वो भी कप के अंदर रह जाते हैं, तो इसलिए मैं कप को ना हाथों हाथ ही वॉश कर देती हूँ। और बस बर्तन मैंने अंदर इकट्ठे करके रख दिए, और यहाँ पर ये तोरी जो थी वो 2-3 मिनट में ही मतलब पक गई है, पकी मतलब ऐसा है कि 50-60% पक गई है। अब इसके अंदर मैंने लाल मिर्ची और धनिया पाउडर डाल दिया है, और ये आज मैं रस्से वाली सब्जी बना रही हूँ, तो अभी खाली ये 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी, मसाले पक जाएंगे तो उसके बाद में फिर मैं थोड़ा सा पानी इस पर डाल के और बस ये सब्जी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो सूखी वाली सब्जी थी मतलब छिलके की ना, इसमें से बिल्कुल भी पानी रिलीज नहीं हुआ था, और मुझे लग रहा था कि शायद ये भी चिपक जाएगी सब्जी, तो चिपक जाती है तो फिर उसका जो टेस्ट होता है ना वो एकदम खराब आता है, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर थोड़े से मसाले जो डालने थे वो डाल दिए, और फिर थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है। तो बस पानी ऐड करने के बाद में इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाऊंगी, और फिर उसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा बेसन। तो बड़ी टेस्टी लगती है ये सब्जी छिलके वाली भी। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर शेयर करी थी ना तो फिर मेरे पास में कॉमेंट आए थे कि तोरी की छिलके की सब्जी भी बनती है क्या, तो हाँ जी छिलके की सब्जी बनती है और बड़ी टेस्टी लगती है, आप एक बार है ना ट्राई जरूर करना, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी। मतलब जो बच्चे ना ये तोरी नहीं खाते हैं ना तो इसके छिलके की सब्जी बड़े शौक से खाते हैं, और वैसे भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो जितने सब्जी के अंदर होते हैं उतने के उतने ही छिलके में भी होते हैं। तो यहाँ पर बस सब्जियां बन रही है, और ये कुछ बर्तन थे रात के जो कि मैंने अपनी जगह पे लगाए नहीं थे तो उनको भी मैं अपनी जगह पे लगा दूंगी, और जो बर्तन गीले है ना तो गीले बर्तन को पोंछने के लिए मैंने है ना एक कपड़ा अलग से निकाल के रखा हुआ है, जो पुराने कॉटन के कपड़े होते हैं ना जो अच्छे से गल जाते हैं मतलब गले हुए रहते हैं, तो उनसे है ना बहुत अच्छे से बर्तन साफ हो जाते हैं मतलब ड्राई हो जाते हैं, तो वो मैंने बर्तन को पोंछने के लिए अलग से ही रखा हुआ था। अब यहाँ पर मैं किचन का काम करके सबसे पहले नहा के मंदिर चली गई थी, क्योंकि बारिश कुछ देर के लिए मतलब बंद थी ना, तो मैंने सोचा पहले मंदिर का काम निपटा देती हूँ। फिर मंदिर से आई, आने के बाद में जिन साहब के लिए मैंने खाना बनाया था ना, सबके लिए मैंने खाना बना दिया था रोटी वोटी, तो जिन साहब खाना खा के गए और तब तक बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए भी थाली जो है वो लगा दी है, तो बच्चों ने भी खाना खा लिया, जिन साहब भी खाना खा के शॉप पे चले गए हैं, दोनों बच्चे भी टीवी देख रहे हैं, तो उनका भी रूटीन जो है वो मतलब ऐसा ही है कि सुबह मतलब जल्दी उठ के स्कूल जाना है, फिर 10-10 बजे स्कूल से छूटते घर आते आते उनको 10:30 बज जाती है, फिर आने के बाद में वही अपनी बातें बताएंगे, पेपर कैसा हुआ डिस्कस चलता है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं आपस में दोनों के, फिर उसके बाद में बस खाना वाना खाएंगे, और उसके बाद में अगर मन होगा तो थोड़ी सी देर नेक्स्ट जो एग्जाम है उसकी तैयारी करेंगे, नहीं तो फिर थोड़ी देर उनको सुला देती हूँ, और फिर उठने के बाद में अपनी पढ़ाई करते हैं, तो यही उनका आजकल रूटीन चल रहा है। और यहाँ पर आज मुझे दोनों रूम की, जैसे मैंने कहा कि मुझे बेडशीट जो है वॉश करनी है, तो सोफे के कवर जो थे वो मतलब मशीन में डाल के गई थी तो वो धुल गए थे, तो उनको मैंने सुखा दिए हैं, हल्की हल्की सी धूप आ रही थी, तो मैंने सोचा कि ये टाइम से सूख जाएंगे ना तो अच्छा है। और उसके बाद में जो बेडशीट है वो भी मैंने निकाल के मशीन में डाल दी है, और अभी मुझे बच्चों वाला जो रूम है ना आज उसकी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है, फर्नीचर वगैरह हटा के, और मैट्रेस जो है उनको भी पलटना है, तो मैंने सोचा कि तब तक आज अपने फेस की ना थोड़ी सी केयर कर लेते हैं। काफी टाइम हो गया फेस के ऊपर कुछ लगाया नहीं है, ये वाला फेस पैक मैंने घर पर ही बनाया था, और ये सोच के कि चलो घर पे बना हुआ रहेगा तो फटाफट लग जाएगा, लेकिन ये कि टाइम नहीं मिल पाता है, और जब टाइम होता है तो मूड नहीं होता, और मूड होता है तो तबीयत सही नहीं होती, तो यही कुछ चलता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो लगा देते, क्योंकि फेस मेरा इतना ज्यादा डल हो गया है, मतलब गाल के ऊपर है ना हल्के हल्के से ब्लेमिशेस हो गए, और छोटी छोटी सी जैसे ना मतलब पिंपल्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन छोटे छोटे से जैसे फेस पे ना दाने दाने से हो रहे हैं, और बिल्कुल अनइवन सी स्किन हो गई है। तो मैंने सोचा चलो आज ये वाला फेस पैक जो है वो बना के लगा देती हूँ, तो कल
शाम को दूध वाले भैया दूध देकर गए थे, तो मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध जो था वो निकाल दिया था और उसको मैंने फ्रीज में रख दिया था। तो सुबह मैंने फ्रीज से बाहर निकाल दिया था, अभी एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया। तो उसके अंदर मैंने ये घर पे जो बनाया हुआ था फेस पैक, इसका वो मिलाया, थोड़ा सा चावल का आटा मिला दिया था ताकि अच्छे से स्क्रबिंग हो जाए। और उसके बाद में ये जो ब्रश जो कि मैं सिर में मेहंदी लगाने के लिए यूज़ में लेती हूँ, वैसे फेस पैक लगाने के लिए अलग से ब्रश आता है लेकिन मेरे पास में नहीं है तो मैं इसी से ही काम चला लेती हूँ। और ब्रश से ना फेस पैक लगाने का पता है फायदा ये होता है कि अगर आप हाथ से लगाते हो ना तो आप हर कैसे लगा दोगे, लेकिन है ना इसको फेस पे लगाने की भी एक टेक्निक होती है और उससे आपका फेस होता है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है और ग्लो भी करता है। ये चीज मुझे एक पार्लर वाली दीदी ने बताई थी कि जब कभी भी आप फेस के ऊपर मसाज करो या फिर फेस पैक लगाओ ना तो नीचे से ऊपर की तरफ लगाना चाहिए, और इससे है ना मतलब स्किन स्किन नहीं सॉरी जो आपका क्या बोलते हैं फेस स्किन की जो टाइटनेस जो आनी चाहिए ना वो बहुत अच्छे से आती है और एक अच्छी शेप बनती है फेस की। ये चीज मुझे उन्होंने बताई थी तो इसीलिए मैं ना ब्रश से ही लगाती हूँ, कभी कभी हाथ से भी लगा देती हूँ, आज मुझे याद आ गया तो मैंने ब्रश से लगा दिया। तो बस यहाँ पर फेस पैक लगा दिया है और ये अपना काम करता रहेगा, और जब जब तक मैं कर रही हूँ अपने रूम की क्लीनिंग का काम स्टार्ट। तो पहले तो ऐसा था नहीं कि फैन जो है वो मुझे साफ करना है, लेकिन जैसे ही देखा तो काफी ज्यादा गंदा दिख रहा था तो वो भी मैंने सोचा कि चलो साफ कर ही देती हूँ। और ये वाला रूम का जो ये फैन है ना, ये ना डस्ट फ्री वाला फैन है। डस्ट फ्री फैन मतलब ये कि बहुत जल्दी इसके ऊपर है ना डस्ट आके नहीं चिपकती है। पहले तो मुझे भी नहीं पता चलता था, लेकिन फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था कि एक रूम के अंदर जो ये लगा हुआ है ना फैन वो डस्ट फ्री वाला है। तो अब मुझे पता चला कि यही वाला पंखा है, क्योंकि जो मेरे ड्राइंग रूम में फैन है और मेरे बेडरूम में जो फैन है ना उसको अगर मैं 3-4 दिन में क्लीन ना करूँ ना तो उसके ऊपर अच्छी खासी मतलब डस्ट दिखने लग जाती है। और ये वाले कमरे की अगर मैं 1 महीने तक भी नहीं करती हूँ ना फैन को क्लीनिंग, फैन की क्लीनिंग, तब भी ये पंखा इतना ज्यादा गंदा नहीं होता है। अभी भी शायद मुझे लास्ट 1 महीना हो गया होगा लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा डस्ट इसके ऊपर नहीं जमी हुई थी। तो डस्ट फ्री फैन जो होता है ना मुझे लगता है कि सही रहता है, जल्दी से डस्ट उसके ऊपर आके जमती नहीं है। और उसके बाद में बस जो पूरी वॉल वगैरह है जहाँ पे भी जाले वगैरह दिख रहे थे नहीं पीते तो अच्छे से मैंने साफ कर दिया है। और अच्छा ये रूम मतलब पूरे घर में हमने जो पेंट करा के रखा हुआ है ना वो प्लास्टिक पेंट है, तो प्लास्टिक पेंट जो होता है ना वो मतलब जितना जल्दी साफ होता है ना गंदा भी उतना जल्दी होता है। तो पूरी मतलब जो वॉल थी ना उसके ऊपर जैसे ना पूरी मिट्टी मिट्टी से जमी हुई थी जो कि अच्छे से दिख रही थी, लेकिन ये कि खाली झाड़ू से ही मैंने साफ किया ना तो वो डस्ट एकदम साफ हो गई थी। और यहाँ पर ये पीछे हेडरेस्ट के पीछे जो है वो वॉलपेपर लगा हुआ है व्हाइट कलर का, इसके बारे में मुझे पूछते रहते हैं कि ये क्या है, मतलब टेक्सचर वाला पेंट है या फिर क्या है। तो ये भी वॉलपेपर है और इसकी भी साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि लाइट कलर का है। तो पहले तो मैंने झाड़ू से ही सारी डस्ट जो थी वो हटा दी और उसके बाद में सूखे कपड़े से ही पोंछना होता है, क्योंकि वॉलपेपर जो है वो पेपर से बना रहता है, गीला कपड़ा लगाएंगे तो उसकी जो शाइनिंग होती है ना वो चली जाती है। अच्छा इस रूम के मैट्रेस के बारे में भी मुझे किसने पूछा था, इस रूम के मैट्रेस के बारे में और मेरे रूम का जो मैट्रेस है उसके भी बारे में पूछा था। तो मेरे रूम वाले मैट्रेस की बाद में बात जो है वो बाद में करती हूँ, पहले इस वाले रूम की बात कर देती हूँ। तो इस वाले रूम के अंदर जो ये बेड आपको दिख रहा है डबल बेड, ये डबल बेड नहीं है, ये सिंगल सिंगल दो बेड है, मतलब जो छोटी साइज होती है ना वो। तो हमने मतलब इन फ्यूचर के हिसाब से बनाया है कि जब बच्चे अभी तो छोटे हैं साथ में सो जाते हैं, लेकिन जब बड़े होंगे और अगर उनको अलग से सोना है ना हम दोनों बेड को अलग कर सकते हैं। तो बेड भी अलग है और मैट्रेस जो है वो भी दो मैट्रेस है जिनको हमने ज्वाइंट करके रखा हुआ है, और उन दोनों मैट्रेस के ऊपर हमने एक शीट जो है वो बिछा के रखी हुई है फोम की। तो ये हमने इसलिए करके रखा हुआ है क्योंकि जो दोनों मैट्रेस है ना वो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस है यानी कि हार्ड मैट्रेस है। तो जो एज वाले लोग होते हैं जैसे कि मेरे इन लॉज आते हैं मम्मी जी बहू जी ना, तो उनकी काफी ज्यादा एज है तो वो है ना सॉफ्ट मैट्रेस पे नहीं सो पाते हैं। तो जब वो होते हैं तो हम तब मैं ना जो मैट्रेस है उनको ऊपर कर देती हूँ, और जब वो नहीं होते और बच्चे इस रूम में सोते हैं तो उसके लिए हमने ना मेमोरी फोम की एक थिक वाली जो शीट आती है ना वो बिछा के रखी हुई है, वो लगा दी है। तो जब बच्चे सोते हैं तो हम उस शीट को ऊपर की तरफ रखते हैं। तो इस तरीके से हमने सेटिंग जो है ना वो की हुई है, तो सबका काम जो है वो आसानी से हो जाता है। और बस उसके बाद में बेड वगैरह क्लीन हो गया, सारी मतलब दीवारें क्लीन कर दी है मैंने, पंखा वगैरह सब साफ हो गया। और अब बारी आती है ये दोनों साइड जो टेबल है ना इनको हटा के साफ सफाई करने की। तो ये खिड़की के पास में जो साइड टेबल है ना इसके यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा जम जाती है। अभी वीडियो में आपको दिख रहा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं दिख रहा जितना कि मुझे दिख रहा था, मतलब पूरा पीछे का वॉलपेपर जो था वो एकदम काला काला सा हो गया था, इतनी डस्ट जम गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने झाड़ू से सारी डस्ट हटाई और उसके बाद में 2-3 बार का पोचा जो है वो मैंने धो धो के लगाया है ना,
तब जाके वो थोड़ा सा साफ हुआ था। और पहले ये जो साइड टेबल थे ना, तो यहाँ पर दोनों बच्चे अपनी बुक्स वगैरह रखते थे, लेकिन अब स्टडी टेबल बन गया है तो बच्चों ने अपनी सारी चीजें वहां पर शिफ्ट कर दी है। तो अभी ये जो टेबल है ना वो बिल्कुल फ्री हो गए। तो अभी देखूंगी इस रूम की, आज तो फिर मैं सफाई कर रही हूँ, फिर बाद में जब ऑर्गेनाइजेशन करूंगी ना तब देखूंगी कि क्या सामान जो है वो मुझे इस ड्रॉवर के अंदर रखना है। तो चलिए, मेरे जो काम है वो तो ऐसे ही चलते रहेंगे, पूरे दिन ही चलते रहते हैं छोटे मोटे काम जो है वो। और इसी के साथ में ही आज का जो ये व्लॉग है इसको करूंगी यहीं पर एंड। और अब काम खैर मेरा कुछ नहीं बाकी है, इस रूम की जितनी क्लीनिंग थी वो सारी हो गई है, अब खाली झाड़ू पोछे का काम जो है वो बाकी है। उसके बाद में फिर मैं एक बार फिर से नहाने के लिए जाऊंगी और फिर खाना वगैरह खाऊंगी, वीडियो की एडिटिंग करूंगी। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो यदि पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, कोई भी पार्ट वीडियो को आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक में टाइम नहीं लगता है। आप अगर काम करते करते भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना, तो आप खड़े खड़े भी टाइप मतलब लाइक कर सकते हो, क्योंकि कमेंट करने के लिए तो आपको मोबाइल जो है वो हाथ में लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लेकिन लाइक करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। आप बस जल्दी से लाइक ज़रूर कर दें, मुझे अच्छा लगता है जितने लाइक्स आते हैं ना तो देख के एक मोटिवेशन सा मिलता है। और आजकल तो मेरी तबीयत सही नहीं है, तो पता नहीं जैसे मैं डिमोटिवेट ही रहती हूँ, पता नहीं ऐसा लगता है यार क्या इतने व्यूज नहीं आ रहे हैं और इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ ये वो, लेकिन जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आ जाते हैं ना आप लोगों के, तो फिर तबीयत भी खराब होती है ना, तब भी ऐसा लगता है कि चलो छोड़ो। कुछ लोग तो कम से कम मुझे देख रहे हैं रेगुलरली, मेरे वीडियोज को वॉच करते हैं, पसंद करते हैं, मेरे व्लॉग्स का वेट करते हैं, तो फिर यार मेहनत करना तो बनता है। तो फिर सब चीजें जो है वो साइड में रख के और सब कामों को साइड में रख के और फिर मैं व्लॉग्स जो है वो बनाती हूँ और आपके लिए लेकर भी आती हूँ। तो बस आप अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।